ट्यूटोरियल्स, टिप्स एंड ट्रिक्स और टेक्निकल वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें माय ओपिनियन चैनल को और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, दिस इज समान और आप देख रहे हो माय ओपिनियन। दोस्तों, अगर आप एक यूट्यूबर हो, एक कंटेंट क्रिएटर हो, तो वीडियो आपके लिए। इस वीडियो में मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस को आंसर करूंगा। दोस्तों, आपको पता ही होगा अप्रैल 6 को यूट्यूब ने बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट रिलीज किया था, जिसके मुताबिक जो भी चैनल्स हैं, जो भी स्पेशली न्यू चैनल्स जिसके टोटल व्यूज 10,000 से कम थे, उस चैनल के वीडियोस पे एड्स को टेम्पररली डिसेबल कर दिया गया था। इसका मतलब है उनका जो मोनेटाइजेशन है टेम्पररली डिसेबल कर दिया गया था। दोस्तों, इस वीडियो में आज इसी सब्जेक्ट के ऊपर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस के मैं आंसर्स करने वाला हूं, सो प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए। दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन है कि हम कहां से जाके चेक करें हमारे चैनल का टोटल व्यू, एक्यूरेट टोटल व्यू। तो इसके लिए आपको अपने चैनल पे लॉगिन करना है और आपके चैनल के होम पेज पे जाना है और वहां पे आपको अबाउट का टैब दिखेगा, वहां पे आप चले जाएं तो आपको वहां पे आपके टोटल सब्सक्राइबर्स और आपके चैनल का टोटल व्यू दिख जाएगा। दोस्तों, यूट्यूब टीम भी आपका वहीं से आपके टोटल व्यूज को कंसिडर करता है। दोस्तों, दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि कैसे हम अपने YouTube चैनल पे फिर से मोनेटाइजेशन को एक्टिव कर सकते हैं या फिर रीएनेबल कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपके चैनल पे टोटल व्यूज 10,000 क्रॉस हो गए हैं तो ऑटोमेटिकली आपके चैनल पे मोनेटाइजेशन एक्टिव हो जाएगा या फिर एनेबल हो जाएगा। अगर फिर भी एनेबल नहीं होता है तो आप प्लीज अपने चैनल पे लॉग इन कर लें और वहां से आप जब स्क्रोल डाउन करोगे बॉटम पे आपको एक हेल्प का जो बटन दिखेगा वहां पे क्लिक कर दें। अगर आपका चैनल एलिजिबल है मोनेटाइजेशन के लिए तो आपको एक सेंड एन ईमेल का ऑप्शन मिलेगा, वहां पे आप एक ईमेल भेज दीजिए यूट्यूब टीम के लिए कि आपका चैनल 10,000 व्यू क्रॉस कर लिया है और आपका चैनल अब एलिजिबल है मोनेटाइजेशन के लिए। तो एक ऐसा ईमेल ड्राफ्ट करके यूट्यूब टीम को भेज दीजिए तो यूट्यूब आपको इमिडिएटली रेस्पॉन्स कर देगा, वन और टू डेज के अंदर आपको रेस्पॉन्स कर देगा। हो सकता है आपके चैनल को यूट्यूब टीम रिव्यू करे, रिव्यू का मुझे एग्जैक्टली तो पता नहीं कि कितने दिन लेगा, मैक्सिमम 3 to 4 days में आपका चैनल रिव्यू हो जाएगा। अगर आपका चैनल यूट्यूब के गाइडलाइंस और पॉलिसीज के अकॉर्डिंगली है तो डेफिनेटली आपके चैनल पे फिर से मोनेटाइजेशन एक्टिव हो जाएगा। तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हम कहां पे जाके चेक करें कि हमारे वीडियोस पे एड्स सर्व हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। दोस्तों, यूजुअली एक नए यूट्यूबर्स ये मिस्टेक करते हैं कि अपने वीडियोस को खुद प्ले करके देखते हैं या फिर अपने फ्रेंड्स या रिलेटिव्स को बोलते हैं प्ले करके चेक करने के लिए, या फिर यू नो फेक यूट्यूब आईडीज बना के वहां से लॉग इन करके भी चेक करते हैं। तो प्लीज दोस्तों, इस ये प्रैक्टिस को अवॉइड करें, ये ना करें, ये एक अनएथिकल प्रैक्टिस है। हो सकता है आपके चैनल पे कोई स्ट्राइक आ जाए या फिर आपका चैनल ही सस्पेंड हो जाए, तो प्लीज फ्रेंड्स ये जो काम है इसको ना करें, इसको अवॉइड करें। आपके चैनल पे, आपके वीडियोस पे जो एड्स आ रही हैं या नहीं आ रही है, चेक करने का प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। अगर आप स्मार्टफोन से चेक करना चाहते हो तो यूट्यूब का एक ऑफिशियल ऐप है क्रिएटर स्टूडियो, इसको डाउनलोड कर लीजिए और आप एनालिटिक्स पे जाके वहां से चेक कर सकते हो एस्टिमेटेड रेवेन्यू पे। अगर वहां पे आपको कुछ भी ग्राफ्स या नंबर्स दिख रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपके वीडियोस पे एड्स आ रही हैं। और आप डेस्कटॉप वर्जन पे भी जाके चेक कर सकते हैं, अगेन आपके यूट्यूब चैनल पे लॉग इन कर लीजिए और आप एनालिटिक्स पे जाके वहां से भी आप चेक कर सकते हो, या फिर आप अपने एडसेंस अकाउंट पे लॉग इन कर लीजिए और वहां पे भी जाके आप चेक कर सकते हो। तो प्लीज खुद के वीडियोस खोल के ना देखें या फिर अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को बार बार सेम वीडियोस प्ले करके चेक करने के लिए ना बोलें, और प्लीज फेक यूट्यूब आईडीज बना के भी ना चेक करें। दोस्तों, चौथा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या डाउट कह सकते हैं, सपोज आपका चैनल ऑलरेडी अप्रैल 6 से पहले आपने बना लिया था और समझिए कि आपने $50 वहां से अर्न कर लिए थे और उसके बाद आपके चैनल पे एड्स आना बंद हो गए थे, तो जब आप 10,000 व्यूज का जो थ्रेशोल्ड है, जो माइलस्टोन है, वो क्रॉस कर लोगे तो आपके चैनल पे फिर से एड्स आनी शुरू हो जाएंगी और आप फिर से रेवेन्यू जनरेट करना शुरू कर दोगे। जब आप फिर से नया रेवेन्यू जनरेट करोगे तो जो पुराना जो $50 आपने कमाया था, जो भी अमाउंट आपने कमाया था, वो आपके नए रेवेन्यू के साथ एड अप हो जाएगा। तो जो पहले आपने अर्न किए थे वो वेस्ट नहीं होंगे, वो फिर से आपके नए रेवेन्यू के साथ एड अप हो जाएंगे।
दोस्तों उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आपके मन में कुछ भी डाउट्स हैं, क्वेश्चंस हैं या फिर सुझाव हैं तो प्लीज हमें कमेंट में बताएं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके कमेंट्स को आंसर करने की। दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्रिप्शन कंप्लीटली फ्री है, और उसके बाजू में जो बेल बटन है उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप हमारे वीडियोस को मिस ना कर सकें। थैंक यू वेरी मच।